गुड मॉर्निंग। क्योंकि लास्ट 12th में हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव यूनिटी पैसिव यूनिटी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, एलर्जीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलर्जीज। एलर्जीज क्या होंगी कि एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम का एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स कब, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट सम एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अंदर के अगर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसा रिस्पॉन्स देगा, एग्जैक्टेड यानी कि अपोजिट रिस्पॉन्स वो करेगा, उससे उसको हम क्या बोलेंगे, एलर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, एलर्जी। तो क्या का कॉमन सिम्टम होंगे, स्नीजिंग होगी, वोटरी आईज, इचिंग होगी। तो ये सभी किसके सिम्टम होंगे, एलर्जी के। कब होगी, तो सभी क्या होंगे, सिम्टम होंगे किसके, एलर्जी के। तो इन सभी सिम्टम से क्या होगी, एलर्जी होगी बॉडी के अंदर। कैसे हो सकती है, क्या तुम्हारा कि एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, या पोलन ग्रेन से। तो मेनली सबसे ज़्यादा किससे होती है, पोलन ग्रेन से, सोइल से क्या हो सकती है, या और जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो क्या होंगे, डेंजरस होंगे, उनसे क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडीज के अंदर। अब है कि इसको कैसे होगी, जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में इफेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, IgE एंटीबॉडी क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। और कब प्रोड्यूस करेंगे, जब जो हमारी मास्ट सेल है वो क्या करेगी, कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी। कौन कौन से केमिकल, जैसे कि हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या कर देगी, सीक्रेट केमिकल सीक्रेट कर देगी, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह क्या होगी, इनसे एलर्जी क्रिएट होगी। कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के मेथड कौन कौन से है, कुछ क्या देंगे हम, एंटी, जैसे कि कुछ ड्रग्स दे दिए, ड्रग्स कौन सी, एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन ड्रग दे दी जो क्या करेगी, हिस्टामिन के इफेक्ट को एंटी हथ क्या करेगी, इसके अगेंस्ट वर्क करेगी। स्टीरोइड दे दिया हमने तो ये क्या करेगा, एलर्जी को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो इसे क्या थी, एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा कि काफ़ी टाइम या तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, कि कोई जेनेटिक क्या आ गया, डिसऑर्डर आ गया, डिसऑर्डर की वजह से जो हमारी फैगोस्टिक सेल हैं, ह्यूमन बॉडी की जो फैगोस्टिक सेल्स हैं, फैगोस्टिक सेल का फंक्शन क्या है कि वो फॉरन पार्टिकल्स को क्या करेंगी, ईट कर जाएंगी, खा जाएंगी, बॉडी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो हमारी फैगोस्टिक सेल है वो क्या कर लेगी, अपनी ही सेल्स को, ह्यूमन सेल्स को क्या कर लेंगी, फॉरन बॉडी मान लेंगी और उनको क्या कर देंगी, ईट कर जाएंगी, यानी कि उनको क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटो इम्यून डिजीज, कि हमारी सेल ही किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से हमारी खुद की सेल को क्या मान लेगी, फॉरन सेल्स मान लेगी, और फॉरन सेल्स मानने से क्या करेगी, अपनी सेल के ऊपर अटैक करेगी और उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो उन डिजीज को क्या बोलेंगे हम, ऑटो इम्यून डिजीज। डिजीज कौन सी होंगी, ऑटो इम्यून डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। किस कारण से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्यून सिस्टम, कि हमारे जो ऑर्गन है इम्यून सिस्टम के कौन कौन से, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। तो कौन कौन सी सिस्टम हो गया हमारे, जैसे कि टिश्यू है, सेल है, लिम्फोइड सिस्टम है, एंटीबॉडी है, लिम्फोइड सिस्टम, एंटीबॉडीज है, सारे क्या होंगे,
इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे। हमें किसके बारे में पढ़ना है? लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फोइड ऑर्गन हमारी इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होंगे? कि वे ऑर्गन जहां पर क्या होगा, लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे और उनका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। जहां पर उनका प्रोडक्शन और क्या होगा, मैचुरेशन होगा, वो कौन से ऑर्गन होंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। कौन कौन से होते हैं प्राइमरी? जैसे कि बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो के अंदर क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइड है उनका क्या होगा, ओरिजन होगा और क्या होगा, उनका मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन के बाद कहाँ पर जाएंगे, वो सेकेंडरी लिम्फोसाइड ऑर्गन में। थाइमस कहाँ पर जेंट होगा? थाइमस हमारे हार्ट के नीचे पर जेंट होगा। जो स्मॉल एज है, यानी कि चाइल्ड एज के अंदर थाइमस का साइज कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, सॉरी जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी, साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसका, थाइमस का। तो ये कहते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मैचुरेशन के बाद कहाँ पर माइग्रेट होंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स का, जो लिम्फोसाइट माइग्रेट होकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आए हैं, उन लिम्फोसाइट का क्या कर देगा, इंट्रैक्शन कर देगा। किसके साथ, एंटीबॉडीज के साथ। तो सेकेंडरी में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी के साथ। कौन कौन से हैं, जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, पेयर पैचेज कहाँ पर जेंट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा क्या है, अपेंडिक्स है, तो ये क्या होंगे, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो स्प्लीन क्या होगा, स्प्लीन क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और क्या करेगा, फिल्टर कर देगा ब्लड को। सेकेंड क्या है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या प्रेजेंट होंगे, लिम्फ नोड जो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर क्या होंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर होंगे और उन सॉलिड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, लिम्फ नोड। ये भी क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे और ट्रैप करके क्या कर देंगे, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसके अलावा एक और है, क्या है, माल्ट। माल्ट क्या होगा, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें क्या होगा कि जो लिम्फोइड टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, म्यूकोजा की लाइनिंग में। और म्यूकोजा की लाइनिंग कहाँ प्रेजेंट होगी, जो हमारी क्या है, इंटेस्टाइन ट्रैक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, सभी की लाइनिंग के अंदर क्या होगी, ये म्यूकोजा की लाइनिंग प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेगी और क्या करेगी, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। तो ये क्या था हमारा, लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। थैंक यू।